हाई हेलो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अलाइड एंगल्स टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो डू कॉमेंट मी वॉट एवर द क्वेरीज एंड डाउट्स यू हैव इन मैथमेटिक्स। ऑलराइट, एंड ऑल्सो डू विजिट द वेबसाइट ऑफ लेट्स लर्न मैथमेटिक्स, दैट इज लेट्स लर्न मैथमेटिक्स डॉट कॉम। इफ यू विल सर्च इट ऑन द गूगल you will get it, and if you do not get it there then please link is given in the description box. Alright, so do visit the website, it is totally free. Alright, so without wasting our time let's get started with the lecture. सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अलाइड एंगल्स के बारे में ही पढ़ाई करी थी एंड उसमें हमने 90 प्लस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में समझा था। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर सॉरी इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ऑल राइट, सो 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ जो है कि हमारी होगी। तो इस चीज़ में आपको पहले सबसे पहले वही कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने 90 में बताए थे, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में, वैसे ही सेम करना है। ओके, तो पहले चलो 180 प्लस थीटा के बारे में हम कर लेते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले व्हाट यू विल हैव टू डू, आप पहले एक वाई एक्सिस एंड एक्सिस कंस्ट्रक्ट करिए। एक्स हो गया ये, दिस वन इज योर एक्स डैश, ज़ीरो वाई वाई डैश। ऑल राइट, एंड अब इसमें आप एक यूनिट सर्कल ले लीजिए या फिर एक सर्कल ले लीजिए, ठीक, कोई भी रेडियस हो डजंट मैटर। एक सर्कल बस आपका फॉर्म हो जाना चाहिए। मेरा सर्कल उतना अच्छा नहीं बना तो आप एक कंस्ट्रक्टर से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, बना सकते हो किसी चीज़ की भी हेल्प लेके। ऑलराइट, तो चलो ये सर्कल बन गया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 180 प्लस थीटा की बात हो रही है तो अगर ये एंगल मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ यहाँ से लेके यहाँ, ये 180 डिग्री ही होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है चलो, एंड फिर थोड़ा सा अगर थीटा आगे चलेगा तो यहाँ इतना चल जाएगा, वो हो जाएगा थीटा, तो यहीं पर आके रुक गया। मतलब यहाँ से एक एरो निकलेगी जो ये बताएगी कि अच्छा ये जो है कि वो हमारा इतना बन रहा है 180 प्लस थीटा, यानी कि जो ये है वो पूरा क्या बना रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो इट विल बी 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, ये पूरा एंगल। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमने यहाँ पे 180 चला था एंड थीटा थोड़ा सा आगे चला था ये, अब उतना ही थीटा जितना यहाँ पर है उतना ही एंगल हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है, एक रखेंगे बेस एंड मूव कर जाएंगे उतना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो थीटा ही हम मूव करेंगे, सो दिस विल बी, ठीक, इस तरह से कुछ एरो बन जाएगी एंड आप थीटा मूव करे हो तो ये थीटा एंगल हो गया आपका। ओके, इतनी बात आई थिंक समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप यहाँ पे हम डाल दें, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप ही हमें डालना है किस पे, एक्स एक्सिस पे, इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ पे आपका एरो रेडियस जो है कि ख़त्म हो रहा है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप मान लो कि पी वन है एंड ये पॉइंट आपका एम वन है। ठीक है, ये चीज़ है एंड दिस वन इज़ योर ओरिजिन, दैट इज़ ओ। यहाँ पे मैं ओ लिख दे रही हूँ, यहाँ से शायद नहीं समझ में आ रहा हूँ। ओके, अब देखो इधर से भी ऐसे ही आप रेडियस का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर जो है कि ड्रॉप करिएगा। अगर थोड़ी सी नॉइज़ आपको आ रही हो तो प्लीज़ उससे आप एडजस्ट कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो पी वन एंड एम वन हो गया ये एंड इधर से परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप किया तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं पी टू एंड ये ले लेते हैं एम टू। ओके, ये चीज़ हो गई। तो हमारे पास आ गए अब दो ट्राइंगल्स, ठीक है, बट ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो कैसे होंगे, आप इसमें ध्यान से देखिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, एंड थीटा तो है ही भाई इक्वल इन दोनों में। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रेडियस है वो इस सर्कल का ही तो रेडियस है, तो चाहे इधर का रेडियस आप मेजर करो चाहे इधर का रेडियस मेजर करो, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे।
ओके तो ये चीज़ हो जाएगी। तो तीन चीज़ आपको मिल गई, दो एंगल्स एंड एक साइड मिल गया, तो उसकी वजह से ये जो है कि आपका ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, P2OM2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, P1OM1, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है ये आपको देखना है। अब मैं साइन 180 प्लस थीटा की बात करती हूँ तो क्या आएगा। पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, जिस पे वो जा रहा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स जो है वो नेगेटिव होता है एंड वाई इज़ पॉजिटिव, ये तो सबको पता है। एक्स इधर वाला लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है एंड इधर होता है वाई, वो होता है नेगेटिव, ठीक। तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं इसमें, ओके, पॉजिटिव नहीं होता कुछ भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका कुछ हो जाएगा कोऑर्डिनेट माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक, ये चीज़ इसकी हो जाएगी। एंड जबकि इधर जो होगा, एक्स मतलब कोई मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो समझो कि कोई मैग्नीट्यूड है। एंड अब वो मैग्नीट्यूड जो है इधर वो माइनस होगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आके एक्स एंड वाई, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नंबर्स हैं जो नेगेटिव हो जाएंगे इधर एंड पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट में, है ना। P1 में देखो क्या है, P1 में x कॉमा वाई होगा, ये चीज़ होगी। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ हमें लिखनी है, हमें लिखना है 180 प्लस थीटा के बारे में। ओके, चलो बात करते हैं। तो साइन 180 अगर प्लस थीटा मैं बोलूँ देन क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब क्या होता है साइन की डेफिनेशन, जो y कोऑर्डिनेट है उसका वो होता है, ठीक, क्या परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर बस देखो तो क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो आपको इसी ट्रायंगल से अब मिलेगा भाई, है ना। तो ट्रायंगल आप रहने दीजिए, ट्रायंगल का मत देखिए क्योंकि वो बस राइट एंगल ट्रायंगल की बस भर की बात नहीं है ये। 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आप लेते हो एंड जो रेडियस होता है उसके अपॉन लेते हो, ठीक, तो वाई अपॉन रेडियस आपका हो जाता है। तो रेडियस तो भाई पॉजिटिव होगा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट है आपका माइनस वाई एंड रेडियस इज आर, रेडियस को आर मान लो, ठीक। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू आर, ठीक, यानी कि रेडियस। ऑलराइट, तो चलो माइनस वाई अपॉन आर ये हो गया, दिस वन इज क्लियर। एंड दूसरी चीज़ देखो, साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, राइट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई आर की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, है ना, लिख सकते हैं ये चीज़, ओके। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये आपने, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो होता है वैल्यू जो होती है आती है वो नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है साइन की, वो आती है नेगेटिव। एंड एक और चीज़ है इसमें कि 180 में जब कुछ प्लस करोगे एंड माइनस करोगे तो वो फंक्शन अपने आप में चेंज नहीं होगा, बस वो ये तो पॉजिटिव होगा ये तो नेगेटिव होगा, इस तरह की चीज़ें, बस साइन में जो चेंज आएगा वो आएगा, अदरवाइज वो जो फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। मतलब जिससे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता था, साइन कॉस में चेंज हो जाता था, ऐसे यहाँ पर नहीं होने वाला, यहाँ पर फंक्शन वैसे ही रहेगा, बस आपका साइन, आपको सिंबल ध्यान देना है। तो आपने ये भी तो पढ़ा है ना, साइन में मैंने जब बताया था कि सिंबल्स किसके किसके साइन के किस में पॉजिटिव होंगे, कॉस के किस में पॉजिटिव होंगे, तो उसमें ये पढ़ा था आपने कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 180 प्लस करने पर, 180 प्लस थीटा करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो जा रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आपको नेगेटिव ही मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से भी आप कंक्लूड कर रहे हो, देख रहे हो कि सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया ये। अब इसी जगह पे आप कॉस थीटा भी ले लीजिए। कॉस थीटा की अगर बात की जाए तो कॉस 180 प्लस थीटा पहले हम करेंगे, तो कॉस 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, एक्स होता है उसका, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस ऑफ एक्स अपॉन आर, ये होता है। एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू
एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम बोल रहे हैं, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, आर यानी कि रेडियस। ऑलराइट, तो एक्स अपॉन आर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि कॉस 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, माइनस तो वैसे ही लिखा, बट ये जो एक्स बाई आर है इसकी प्लेस पे आप कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि जो कॉस 180 प्लस थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक, आई थिंक समझ में आ गया। अब बारी आती है टैन की, बट बिफोर दैट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम टैन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक नोट कर लिया सभी ने। नाउ अब देखो टैन के बारे में बात करें तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि टैन 180 प्लस थीटा अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा आपका साइन अपॉन साइन ऑफ 180 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा कि नहीं, ये तो हो जाएगा। अब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, अभी आपने पढ़ा कि वो माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा यहाँ लिख दो, एंड कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा आपने अभी पढ़ा कि वो माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, राइट, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। और इट सो माइनस माइनस कैंसल्ड आउट एंड इट विल बिकम टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, दैट मीन्स टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ एकदम सही प्रूफ होके आ रही है कि जो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन में भी कि टैन जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दैट इज़ ट्रू, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही आ रही है, टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, यानी यहाँ पर थीटा हमेशा एंटी क्लॉक वाइज ही हम लोग ले रहे हैं, तो उसे तो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो उसका नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है। सो 180 प्लस थीटा जब भी कर रहे हैं तो टैन थीटा हमें मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव आंसर ही मिल रहा है, यानी कि दिस इज़ करेक्ट कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो है कि वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंड 180 वाले केस में कभी भी फंक्शन अपने आप में चेंज नहीं होगा, जो इधर है राइट हैंड साइड वही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, चाहे 180 प्लस की बात हो चाहे 180 माइनस की बात हो। दूसरी चीज़, अगर आपको ये फॉर्मूले से साइन अपॉन कॉस वाले फॉर्मूले से नहीं, और भी एक तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, जैसे साइन का और कॉस का हमने उसे निकाला अभी। अब देखो मैं इसे रब कर देती हूँ तो इससे देख लेना आप, देखो टैन 180 प्लस थीटा की यहाँ बात हुई है, तो टैन इज ऑलवेज व्हाट, हमेशा जो है कि y बाई एक्स होता है, ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं लिख दूँ माइनस y, ठीक है, तो y बाई एक्स हमेशा होता है, यानी कि माइनस y अपॉन माइनस एक्स ये होगा, ये चीज़ तो होगी। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y बाई एक्स ही बचेगा बस। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर tan थीटा की वैल्यू निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो क्या आएगी, वो आएगा y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स। तो देखो कि ये जो फर्स्ट है एंड सेकेंड है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड ना, सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, आई थिंक ये भी दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ कर लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रही हूँ, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो इसे अब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू दिस फॉर 180 डिग्री माइनस थीटा ऑल्सो, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रब कर दे रही हूँ ये, एंड यही सेम प्रोसीजर हम उसके लिए भी करेंगे। एंड इसका जो 180 प्लस थीटा वाला है वो मैंने तीन यानी कि थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज़ हैं साइन कॉस टैन उनके लिए कर दिया है, कॉसेक सेक कॉस के लिए कॉट के लिए आप खुद से इसे ट्राई करना, बहुत इजी है, आंसर्स एकदम सेम आएंगे, किसके सेम मतलब कि सिमिलर आ जाएगी, जैसे साइन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है वैसे ही कॉसेक का होगा, सेक का कॉस के अकॉर्डिंग होगा, कॉट का टैन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, तो आप उसे, आपका होमवर्क है कि आप उसे खुद डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो अब देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही काम करते हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस विल ड्रॉ,
एक्स हो गया ये एंड दिस इज वाई, वाई डैश ज़ीरो एंड एक्स डैश, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये कि आप, हाँ अब दूसरी चीज़ ये कि आप पहले 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 डिग्री तो पूरा ये होता है, उसमें से कुछ माइनस कर दीजिए, कुछ थीटा आप माइनस कर दीजिए, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखिए 180 डिग्री तो ये पूरा हो गया 180 डिग्री, ठीक, एंड थीटा उसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है, यानी कि कुछ थीटा जो है कि पीछे लेके जाओ, है ना, ये चीज़ है कहने का मतलब। तो दिस विल बी थीटा एंगल जो इसमें से माइनस किया गया, तो यहाँ से कुछ एक एरो हो जाती है जो आपका ये इंडिकेट करती है कि ये जो आपका एंगल है, यानी कि अब ये जो एंगल आपका आएगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ओके, ये हो जाएगा। एंड अब यही थीटा एंगल जो यहाँ पर है उतने ही मेजरमेंट का हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करेंगे, ओके, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक थीटा ही चला है, एंगल थीटा ही है ये, ठीक, आई थिंक दिख रहा है सभी को, समझ में भी आ रहा है, ओके। सो अब नाउ वी विल कंसिडर अ सर्कल, ठीक है, सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रेडियस का सर्कल आप यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर सर्कल थोड़ा सा, ओके, कुछ इस टाइप से आएगा आपका सर्कल, ओके, चलो परफेक्ट, ये आपका कुछ सर्कल बन गया, ओके, चलिए अब इसमें देखिए कि आपको वैसे ही करना है, परपेंडिकुलर यहाँ से आपको ड्रॉप बनानी है, यहाँ पे चलो P1 पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ योर P2 पॉइंट, एंड यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर लेते हैं, किस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एंड यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ओके, दिस वन इज़ थीटा एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा, ओके, ये आपको नहीं भूलना है। चलो ये हो गया, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे, थीटा एंगल इक्वल है आपस में, रेडियस आपस में इक्वल है, एंड ऑल्सो एन एंगल दैट इज़ राइट एंगल, ठीक है, वो है, तो मतलब कि ये जो है कि ट्रायंगल्स आपस में क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, मतलब इनके साइड्स आपस में इक्वल होंगे, इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऑलराइट, ये हो जाएगा। एंड ओके, चलो अब हम जो है कि ये कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये पॉइंट M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो पहली चीज़ तो इसमें ये देखिए कि ट्रायंगल जो P2 ओ M2 है या P1 ओ M1 है, P1 ओ M1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2 ओ M2, ठीक है, ये चीज़ है सबसे पहली, ये चीज़ की वजह से क्या होगा, P2 M2 will be equals to P1 M1, है ना, ऐसे ही P2 O is equal to P1 O is equal to R, रेडियस के बराबर, ठीक है, एंड ऐसे ही OM2 is equal to OM1, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी का यही फ़ायदा है कि उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ के कोऑर्डिनेट की हम बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट अगर देखिए P2 पॉइंट का तो वो होगा माइनस एक्स और कॉमा वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई तो पॉजिटिव होगा लेकिन एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि OM2, तो वो उसमें हम साइड नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ हम साइड की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल है, ठीक है, बाकी जब आप कोऑर्डिनेट लोगे तो उसमें माइनस नेगेटिव साइन की भी बात करोगे, ठीक है, पहले समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो सब कुछ तैयार है मेरे पास मटेरियल, यहाँ पे x एंड y होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x जो है वो लेंथ है OM1 की, ठीक है, जितना x एक्सिस पे आप चले हो, जितना y एक्सिस पे आप चले हो, सिंबल्स हमें कोऑर्डिनेट बताते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर अब हम बात करें साइन 180 माइनस थीटा की, तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा,
किसके इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जाके रुका, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि y अपॉन हाइपोटेनस वाला होता है, हाइपोटेनस यानी कि रेडियस यहाँ पर है, तो r ये है, ठीक है, तो रेडियस यानी कि y अपॉन r के इक्वल हो जाएगा, y बाय r के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, y बाय r के इक्वल है, इसका मतलब किसके इक्वल है, ये एक और चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि y है तो ये P2m2 अपॉन किसके इक्वल है, रेडियस आपका क्या है P2O, ठीक, इसके इक्वल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अगर रखो बस तो क्या होगा, साइन थीटा तो वो भी आपको क्या देगा, P1m2 अपॉन क्या हो जाएगा, OM1, ठीक, तो विच विल बी इक्वल टू व्हाट, y बाय r ओनली, है ना, y एंड r रेडियस, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि ये फर्स्ट जो है एंड सेकेंड ये आपस में इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट वन इज इक्वल टू सेकेंड वन, दैट मीन्स साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव साइन भी नहीं आगे लगा हुआ है कि माइनस थीटा के इक्वल हो। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि जो आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये जो 180 माइनस थीटा सेकेंड में ही आ रहा है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आपने साइन कन्वेंशन में जो पढ़ाया अभी उसमें सीखा है ये, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, सेम आंसर है। दूसरी चीज़, 180 वाले केस में जो है कि हमेशा कन्वर्जन नहीं होता है, मैं आपको जनरलाइज फॉर्म भी बताऊंगी कि किस में कन्वर्जन होता है किस में नहीं होता है, फिलहाल अभी आप याद रखिए कि 180 में जब भी आप माइनस करोगे थीटा या प्लस करोगे थीटा तो हमेशा फंक्शन वही रहेगा, खाली उसके सिंबल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, एंड 180 उसके साथ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा उसके साथ रहेगा, ओके, ये चीज़ होने वाली है। सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कॉस के बारे में बात करते हैं। ओके, सो अब देखिए इसमें साइन के बारे में तो हो गई बात, अब कॉस के बारे में अगर करूं तो देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या आंसर आएगा, 180 माइनस थीटा यानी कि यहीं पे पहुंचाइए, एंड ये होगा जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ एक्स अपॉन व्हाट आर के, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा भाई, x किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर देखें तो x किसके इक्वल है, m2o के इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर देखें बस तो om2 या फिर आप बोल सकते हो om2, तो माइनस ऑफ om2 अपॉन r यानी के आपका यहाँ रेडियस है वो है p2o, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, तो माइनस ऑफ om2 अपॉन p2o ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, cos ऑफ 180 माइनस थीटा हो गया, अब बस थीटा देखिए, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स अपॉन आर, ठीक, एक्स अपॉन आर मतलब के बस एक्स कोऑर्डिनेट है एंड वो भी पॉजिटिव है, आप इसे ओ एम वन भी लिख सकते हो, ठीक है, ओ एम वन अपॉन आर यानी के ओ पी वन, ठीक है, या फिर पी वन ओ भी लिख सकते हो, पी वन ओ, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ओ पी वन ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ओ पी वन यहाँ पर भी लिख दो क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होके लेके जा रहे हो ना, तो इसलिए अब देखो ओ पी वन हो गया, ये ओ एम वन अपॉन ओ पी वन ये चीज़ है, तो ये दोनों पॉजिटिव तो है ही, अब दूसरी चीज़ इट विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई आर, है ना, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एम टू अपॉन पी टू ओ, आप देखो अगर एम टू ओ एम टू ओ एम टू अपॉन पी टू ओ अगर देखो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ओ एम टू जो है कि आपका इक्वल है ओ एम वन के, है ना, ओ एम वन यहाँ लिख दो, एंड इट विल बी इक्वल टू पी टू ओ, तो पी टू ओ किसके इक्वल है, पी टू ओ या फिर ओ पी टू लिखो सीधे सीधे, ओ पी टू जो यहाँ पे है, ओ पी टू यहाँ पे भी चेंज कर लेना, ओ पहले लिखना एंड पी टू बाद में, ओके, सो ओ पी टू लिख दिया अगर आपने तो इट विल बी इक्वल टू ओ पी वन, है ना, एंड ओ एम वन अपॉन ओ पी वन, ठीक है, सिंपली आपस में इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद
जो चीज़ आती है वो हो जाएगा कि एक मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव ऑफ एक्स, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड जो होता है एक्स का वो एक्स हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों उसके इक्वल है, ठीक है, यहाँ सिंबल की बात नहीं होती, यहाँ बस मैग्नीट्यूड की। तो एक्स को सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, साइन के साथ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें अब यहाँ पे, इसे मैं रब कर दूँ अब यहाँ से, ओके। तो चलो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अब क्या हो जाएगा, इज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम वन अपॉन ओ पी वन इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ठीक है। एक्स बाय आर जो है आपका वो किसके इक्वल है, ये देखो एक्स बाय आर के इक्वल है ना, तो एक्स बाय आर कॉस थीटा के इक्वल है ना। एंड यहाँ से भी सबकी इक्वलिटी मैंने दिखा दी है कि हाँ साइड्स जो होंगे आपस में वो इक्वल होंगे, चाहे ओ एम टू अपॉन ओ पी टू हो, ये भी इक्वल है एक्स बाई आर के, ठीक है। तो एक्स बाई आर की जगह आप सीधे सीधे यहाँ पे आप कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि कॉस 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा हो गया है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने जो सीखा था कि कॉस इज नेगेटिव, साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, ये सब सुना था हमने, तो उसमें जो कॉस है वो वाली नेगेटिव वाली बात एकदम सही है, ठीक है। तो कैसे चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं आप देखना। एंड यहाँ पर भी ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि 180 वाले केस में आपका जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, चाहे साइन के केस में, चाहे आपका कॉस में, चाहे टैन में, चाहे आप कॉसेक का निकालोगे, होमवर्क में मैंने दिया है, चाहे सेक का चाहे कॉट का, आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है। मतलब सेम आंसर मतलब कि फंक्शन आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। ओनली सिंबल्स एंड साइंस चेंज होंगे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ओके। सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम टैन के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक आपको समझ में आया, अब इसे मैं रब करती हूँ। एंड नाउ टैन की बारी आती है, टैन की बारी आते ही सबसे पहली चीज़, तो आपने तो नोट करी होगी, मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे तो नोट किया नहीं है, रब कर दिया सब। टैन 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अब देखिए साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल, जब दोनों आप लिख दोगे ऊपर ऊपर, तब इसमें देखो वैल्यू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती थी, साइन थीटा ही होती थी, है ना, अभी जो मैंने आपको बताया। अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना, यानी कि माइनस को बाहर निकाल दो, इन साइन थीटा अपन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, यानी कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, राइट, दिस वन इज करेक्ट। एंड लेट्स डू इट बाय द अनदर वे, अब दूसरे तरीके से करते हैं, पहले से नोट कर लीजिए फिर करते हैं, जैसे हमने साइन का एंड कॉस का किया वैसे ही tan का करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, आई एम रबिंग इट। आपको ये तो पता ही है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इधर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैंने सबसे पहले वही बताया था, तो वहाँ से आप वो चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो टैन 180 डिग्री माइनस थीटा पे यहाँ पे क्वाड्रेंट्स आपके आए हैं माइनस एक्स, सॉरी कोऑर्डिनेट्स आपके आए हैं, तो माइनस एक्स कॉमा वाई, सो वाई बाय आपका वो हो जाएगा आपका जो y होता है x कोऑर्डिनेट होता है उसी को, उसी का जो रेशियो होता है वही होता है tan थीटा, ठीक है। तो y अपॉन माइनस एक्स होगा, दिस इज करेक्ट, ये बात तो समझ में आती है। एंड y बाय माइनस एक्स हो गया, नेगेटिव साइन है इधर। दूसरी चीज़ ये कि tan, अब मैं जो ये बात कर रही हूँ इसमें ये चीज़ ध्यान देना कि जो मैग्नीट्यूड वाइज है ये इसके इक्वल है, ये जो है आपका x इधर वाला इसके इधर वाले x के इक्वल है एंड रेडियस इसके इक्वल, तो बस सिंबल्स चेंज होंगे। मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर है x की जगह पे, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे x की जगह पे 2 ही लिखा रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा टोटल माइनस 2, ठीक, ये बात है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों के दोनों, ठीक है, इसका भी x, इसका भी y, इसके xy के इक्वल है,
सिर्फ साइन को हटा दो तो, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि टैन थीटा इक्वल क्यों है, ये भी आपको पता है, बिकॉज ये लेंथ जो है इस ट्राइंगल की लेंथ इसके हाइट के बराबर है, हाइट की लेंथ, ये जो आपका बेस का लेंथ है वो बेस के बराबर, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है? अब देखो टैन थीटा अगर यहाँ से निकाला चाहो तो वाई, यहाँ पे सिंबल वाली बात आती है तो सिंबल पॉजिटिव है यानी कि मैग्नीट्यूड ही मान के चलो, वाई बाई एक्स हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर वाई बाई एक्स का मैग्नीट्यूड लें एंड यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव दिया ही हुआ है, तो देखो टैन 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर निकाल लो, इसका माइनस बाहर ही निकाल लो, वाई बाई एक्स की जगह पे आप टैन थीटा लिख सकते हो, ठीक? आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो टैन 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा, तो उसमें टैन क्या होता है, उसमें टैन नेगेटिव होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी जब कॉस का बता रही थी, ठीक है? तो आपने पढ़ा भी था साइन कन्वेंशन में कि हाँ सेकेंड में साइन को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो ठीक है, देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है, पहले कॉस का हुआ फिर टैन का हुआ। अब आप कॉसेक का जो प्रूफ करोगे तो कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा आपको, बट सेक एंड कॉट आपको नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है? तो उसका कॉसेक का, सेक का एंड कॉट का आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है? एंड यहाँ तक टैन तक मैंने इसको कर दिया, ऑलराइट? तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई करी थी वो की थी 90 प्लस थीटा के बारे में, 90 माइनस थीटा के बारे में, 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा के बारे में। नाउ अब आप पहले क्वाड्रेंट में तो थे, पहले क्वाड्रेंट से थोड़ा आगे चले, थोड़ा पीछे चले, ये आपने बात करी, उसके रेशियो में आपने साइन लिया, कॉस लिया, टैन का फाइंड आउट किया एंड ऐसे ही 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के लिए भी फाइंड किया तीनों का, एंड उसके बाद जो आगे आते हैं कॉसेक, सेक एंड कॉट, उसका आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया एंड हर केसेस में मैं यही चीज़ करने वाली हूँ, कॉसेक, सेक एंड कॉट का आपको खुद फाइंड आउट करना है, ऑलराइट? अब देखो 270 की अगर बात की जाए तो वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम उसका वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक्स डैश ओ एंड एक्स, वाई ओ वाई डैश, ठीक? ये चीज़ हो गई एंड नाउ सेकेंड थिंग इज दैट ये हो गया ये एंड आपने सर्कल फॉर्म कर लिया, ऑलराइट? अब सर्कल आपका अगर फॉर्म हो गया है तो दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 270 प्लस थीटा की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो 270 किस पे आएगा, यहाँ से जब पूरा ऐसे चल लोगे तो वो 270 आपका आ जाएगा, ठीक? इसे हम कहेंगे 270 एंड इसी से थोड़ा सा आगे अगर कुछ थीटा चल लोगे, कुछ एंगल चल लोगे, देन दैट एंगल वो आपका एंगल थीटा हो जाएगा, है ना? एंड तब ये पूरा आपका 270 प्लस थीटा का आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आपका एक्चुअली यहाँ पे बनेगा, ओके? एंड उतना ही थीटा जो है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे चल लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा मान लो चले एंड ये ऐसे बन गया, ओके? तो आई थिंक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं एंड ऐसे ही परपेंडिकुलर हम यहाँ पे भी ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब इसमें जब परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ध्यान से देखिएगा आप कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे उसी तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे इन्हें, सबसे पहली चीज़ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है नेमिंग कर देते हैं पहले, पी वन है, एक सेकेंड, पी वन है ये चीज़ ले लेते हैं, एम वन है इसे ले लेते हैं, पी टू इसे ले लेते हैं एंड एम टू इसे ले लेते हैं, ओके? ये चीज़ हमारी हो गई। अब देखो ट्राइंगल पी वन ओ एम वन, पी वन ओ एम वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी टू ओ एम टू, ठीक? पी टू ओ एम टू के बराबर है ये, ओके? अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपको बताना है कि क्या होने वाला है आगे कॉन्ग्रुएंसी में, क्या चीज़ होती है, तो वो चीज़ सबसे पहले बताइए कि साइड्स कौन से इक्वल होंगे, है ना? ये सारी चीज़ें इक्वल करिए तब आगे एंगल्स को जो है कि करेंगे 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270, कॉस ऑफ 270, ठीक है? सबसे पहले डिटेल पूरा दीजिए कि क्या क्या है,
ऑल राइट, आपको भी कैसे करना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए। ओ एम वन मान लीजिए आपका यहाँ पे x मान लेते हैं, x जो है कि इसकी लेंथ है कुछ, एंड इसकी ये हो गई y, ठीक है, तो इट इज़ x कॉमा y इसका है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है कि इसकी मान लेते हैं p2 की, इसका जो x है वो मान लेते हैं x डैश्ड है एंड y डैश्ड है, ठीक है। एंड x डैश भी जो है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात है ना, तो x तो पॉजिटिव होगा बट y इज़ नेगेटिव, तो माइनस ऑफ y डैश एंड यहाँ पे तो x कॉमा y होता ही है। ऑल राइट, तो आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को। अब देखें यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो आपका इक्वल होगा वो कौन सा पार्ट इक्वल होगा। ये देखिए पी वन एम वन जो है कि इन ट्राइंगल, इन बोथ दीज ट्राइंगल्स, ये तो जान ही रहे हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं कि किस किस ट्राइंगल में, ठीक है। पी वन जो है कि पी वन एम वन इज़ इक्वल टू वॉट, पी वन एम वन एंगल के सामने वाला साइड होता है, तो इट विल बी इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड, दैट मीन्स पी टू एम टू, पी टू एम टू, ठीक। तो पी वन एम वन की क्या है लेंथ, हमने ले ली वाई, ठीक, वाई इज़ जस्ट लाइक लेंथ, ठीक है। आप जब आपको नेगेटिव से बताना है कि कोऑर्डिनेट कौन सा है, तब आप माइनस एन वो लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे या पॉजिटिव साइन। पी टू एम टू क्या है, पी टू एम टू में देखिए माइनस वाई डैश है ये, ठीक है, लेकिन पी टू एम टू जो है कि ये वाली साइड जो है इसमें इसकी लेंथ की अगर बात की जाए, तो हमने क्या लिया था, एक्स वाले को एक्स डैश ले लिया था ना, एक्स डैश यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एक्स डैश ले लिया था, एंड इसका जो वाई था उसको हमने क्या लिया था, इसका वाई मान लो ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स डैश एंड ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक, आई थिंक विजिबल है। तो पी टू एम टू की अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, इतना देखो एक्स डैश, ठीक है, तो आपका जो y है एक तरह से वो x डैश के बराबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखना। अब ये चीज़ तो हो गई क्लियर आपको, दूसरी चीज़ क्या है, अब एंगल के सामने वाला साइड तो देख लिया, बट एंगल से जो जुड़ा हुआ साइड है, दैट मीन्स जो बेस होता है वो किसके इक्वल है, तो आपका ओ एम वन विल बी इक्वल टू ओ एम टू, है ना, ओ एम वन इज इक्वल टू ओ एम टू, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट कि ओ एम वन विल बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स विल बी इक्वल्स टू वॉट, वाई डैश्ड। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो रही है, ये चीज़ें तो हमने कर ली, एंड यही आपकी मेन चीज़ थी, बेस एंड हाइट का इक्वल कौन सा है ये देखना। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा अगर हम लिखें तो किसके इक्वल होगा, 270 प्लस थीटा, 270 तो यहाँ तक पहुँचे, प्लस थीटा यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो इसका साइन, ठीक है, तो माइनस ऑफ y1 अपॉन r, ये चीज़ हो गई। अब माइनस ऑफ y1 अपॉन r अगर आपने लिख दिया, यहीं पे लिख के इसे छोड़ दो। अब दूसरी चीज़ देखो, y डैश जो है कि वो किसके इक्वल है, y डैश इज इक्वल टू x, है ना, तो माइनस ऑफ x तो लिख दिया आपने, n अपॉन r ऐसे ही लिख रहे दो। अब x अपॉन r, ये तो r है ही, ठीक है, अब x अपॉन r किसके इक्वल है वो देखो, तो x यानी कि इसका बेस एंड ये हाइपोटेंस, तो बेस अपॉन हाइपोटेंस क्या होता है, वो हो जाएगा cos थीटा के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू जो बेस होता है यानी कि x बाय r, ठीक, इसके इक्वल है। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसके इक्वल तो हो गया, तो साइन साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाय r की जगह पे आप लिख दीजिए cos थीटा, ठीक है, ये चीज़, तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस इसी तरह से करना होता है और कुछ नहीं करना है, आई थिंक समझ में आ गया। अब आगे करने के लिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी, cos थीटा की अगर बात की जाए, cos 270 प्लस थीटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जो x डैश दिया हुआ है, x डैश अपॉन व्हाट, आपका r जो है
उसके इक्वल। ये हो गई बात। अब देखिए x डैश किसके इक्वल है, x डैश इज इक्वल टू y, है ना। तो y बाई आर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड नाउ y बाई आर इज इक्वल टू वॉट, y बाई आर विल बी इक्वल टू साइन थीटा, है ना, इस ट्राइंगल की मदद से अगर आप देखो तो। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो देखो इसमें 270 प्लस थीटा की यहाँ पे बात हो रही है एंड y बाई आर यहाँ पे आया है, तो y बाई आर की जगह पे आप साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू y बाई आर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। नहीं अगर यहाँ दिख रहा है तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू योर साइन थीटा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया। तो देखो कितनी मतलब सिंपली आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। दूसरी चीज़ ये देखो कि साइन cos 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो यस आपको पॉजिटिव ही आंसर मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है ना कि माइनस साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है। एंड ये देखो साइन कन्वेंशन हमारा कितना ट्रू था। ठीक है, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है एंड आपस में एंड सही आंसर ला के दे रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो ठीक है इसे नोट कर लीजिए, फिर हम टैन की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट टैन थीटा, टैन थीटा में देखिए आप टैन 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो इट विल बी साइन ऑफ 270 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा यहाँ पे होगा। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा वॉज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक, अपॉन कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, यानी कि टैन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, ये तो हमने अपॉन करके आंसर लेकर हम लोग आ गए। अभी यहाँ पे कुछ नॉइज हो रही है थोड़ी सी, आप थोड़ा उसको टॉलरेट कर लीजिएगा। ऑलराइट, अब देखो माइनस कॉट थीटा के इक्वल तो आ गया। दूसरी चीज़, अगर जैसे हमने साइन का निकाला कॉस का निकाला वैसे टैन का निकालना है तो ठीक है लेट्स ट्राई इट, हम लोग ट्राई करते हैं इसे भी। यहाँ से मैं रब कर देती हूँ इसे। ओके चलो, तो अब अगर इसे ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा टैन 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 270 प्लस थीटा है तो माइनस वाई डैश, माइनस ऑफ वाई डैश अपॉन वॉट एक्स डैश। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स डैश। अब देखो वाई डैश अपॉन एक्स डैश किसके इक्वल होने वाला है, तो वाई डैश आपका किसके इक्वल था, वाई डैश वॉज इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स के इक्वल था माइनस ऑफ एक्स एंड एक्स डैश वॉज इक्वल टू वाई, वाई तो माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये चीज़ हो गई। अब एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल है, मतलब बेस अपॉन हाइट किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा चल नहीं रही है चौक। ठीक है, अब देख लो माइनस ऑफ कॉट थीटा। ऑलराइट, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया आपको, इस तरीके से भी टैन का निकाला, ऐसे भी निकाला, समझ में अच्छी तरीके से आ गया। आप कॉसेक सेक एंड कॉट जो बचा हुआ है वो आप ट्राई करिए एज अ होमवर्क, वो सिंपली जैसे ये निकला हुआ है ना वैसे निकल आएगा। एंड दूसरी चीज़, नहीं भी ट्राई करते हो तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जैसे इसका पैटर्न है वैसे ही उसका भी पैटर्न होगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रही है हर चीज़, जैसे कि ये जो है साइन जो है कॉस में चेंज हो रहा है, आपका कॉस साइन में चेंज हो जा रहा है, टैन कॉट में हो जा रहा है, वैसे ही आपका कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में एंड टैन जो है कि सॉरी कॉट जो है कि वो टैन में इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो बस ये तीन जो थे वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके थे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा की। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए पहले।
सो आई थिंक स्टूडेंट्स वट एवर वी हैव कवर्ड टूडे आपको सब कुछ समझ में आया है एंड अगर नहीं आया देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई एल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी